यू आर रजिस्ट्रार वर्किंग इन द एंटी नेटल ओपीडी एंड अबाउट टू सी मिसेज आलिया. शी इज 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड इट इज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड हैज कम टू यू विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. शी विशेज टू रिव्यू हर प्लान ऑफ केयर फॉर दिस प्रेगनेंसी इन 10 मिनट्स. टेक फोकस हिस्ट्री, एक्सप्लेन हर द फाइंडिंग ऑफ द अल्ट्रासाउंड, काउंसल द पेशेंट अबाउट एंटी नेटल केयर एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन दैट यू विल एंटिसिपेट एंड आंसर क्वेश्चन. Should I start, sir? Should I start? जी बेटा बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी बिल्कुल मेरा नाम सही। जी मेरा नाम डॉक्टर सुरैया जायद है. मैं ऑप्शन गायनी की शोबे से 4 साल से वाबस्ता हूँ. क्या नाम है आपका? आलिया नाम है आपका, पर्ची में लिखा हुआ है. और जी आपके शोहर का नाम आलम जी है. अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए आई है, ये मालूमात जी दुरुस्त है? देखिए, आपकी इजाजत से आलिया मैं आपके मसले पर बात करूंगी और आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मुआयना करूंगी. मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी आपसे, ठीक है? अच्छा आलिया, जी आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 5 साल हो गए। अच्छा, तो इस 5 साल में आप और आप शोर की, आप दोनों की पहली शादी? जी पहली शादी अच्छा, कोई अमल नहीं ठहरा आपका? नहीं जी। अच्छा, तो ये अमल आपका प्लान्ड है, खुद से ठहरा है या इलाज से ठहरा है? ये अपना इलाज हुआ था जी, अच्छा, क्या इलाज हुआ था? तो गोलियां खाई थी आपने? गोलियां खाई। अच्छा, ठीक है. अच्छा, आपकी शोहर आपके कजन है? नहीं ठीक है. अच्छा, आपकी आखिरी दफा मावारी कब आई थी? तारीख याद है आपको? तकरीबन जी हो गया है, कोई 13-14 हफ्ते पहले आई ठीक है. और रेगुलर है, महीने के महीने आती है? जी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या काम करती हैं आप? ग्रेजुएट। हाँ ठीक है, हाउसवाइफ है? जी अच्छा, ये शुरू की 3 महीनों में आपने, आपकी प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म हुई? आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था? जी अल्ट्रासाउंड करवाया था। आपको ज्यादा उल्टी मतली, खून पानी की शिकायत, नजला जुकाम, दाने, नजला जुकाम, कोई मसला तो नहीं हुआ था? पेशाब में जलन वगैरह? उल्टियां आई थी। तो क्या उल्टी कैसे ठीक हुई? आपने ज्यादा उल्टियां थी, दाखला तो नहीं हुआ, गोलियों से ठीक हुआ? नहीं, उसके लिए मुझे दाखिल होना पड़ा था। अच्छा, फिर कितने दिन दाखला हुआ? वो कुछ घंटे रखते थे फिर भेज देते थे। अच्छा, फिर गोलियों पे, अभी गोलियां खा रही है, अभी ठीक है आपकी तबीयत? बेहतर है पर अच्छा, अभी भी है। ठीक है. अच्छा, फोलिक एसिड की दवा खा रही है? हाँ जी खून पेशाब के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आपके सारे नॉर्मल हैं? जी डॉक्टर ने तो यही कहा था कि नाम अच्छा, आपको ज्यादा थकावट तो नहीं होती? दिल की धड़कन तेज हो जाती है? नहीं। अच्छा, सर दर्द, उल्टी मतली का एहसास, आंखों के सामने अंधेरा? नहीं अच्छा, ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज पिला के जो टेस्ट करते हैं वो हुआ है आपका? नहीं जी। अच्छा, आपको पहले से कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी, दिल गुर्दों, जिगर के अमराज? हेलो सर, आवाज आ रही है? नहीं हेलो. अच्छा, और आपके नहीं खानदान में हाँ किसी जी आ कोई रही। इन नहीं जी बीमारियों में से कोई बीमारी हो? नहीं जी, मेरी इल्म में तो नहीं। अच्छा, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है? कोई नशा तो नहीं करती है? नहीं गुजारा आराम से हो जाता है? श्योर सपोर्टिव है आपके? हाँ जी आई एम डन विद द हिस्ट्री ऑफ माई पेशेंट आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, एज माई टास्क इज टू काउंसल द पेशेंट अबाउट अल्ट्रासाउंड. देखिए आलिया, आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे पास है. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि इसमें क्या है. इसमें ये दिया हुआ है कि आपके 2 बच्चे हैं, जुड़वा अमल है. इसमें पानी की तेलियाँ 2 हैं, लेकिन आपकी अवल लाल 1 है. तो आपका जुड़वा बच्चों में, आपको पता होगा ना कि इसमें आम प्रेगनेंसी के मुकाबले में अलामत ज़्यादा होती हैं. इसमें उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसको जो अलामत आपकी आई हैं, आपका दाखला हुआ है, आगे जाके आपकी उल्टियां बेहतर हो जाएंगी. इसके अलावा इसमें जो है खून की कमी ज्यादा हो जाती है, आपने अपनी सप्लीमेंट्स खानी है. इसके अलावा शुरू के 3 महीने में बच्चे जाया हो सकते हैं, आगे जाके उसमें बनावटी खराबी होती है. और अच्छा, आपके बच्चे की गर्दन की मोटाई का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, या डाउन बेबी का जो करते हैं, नुगल ट्रांसलूसेंसी का अल्ट्रासाउंड है, हुआ है वो? पता नहीं जी। 1 हफ्ता पहले ओके एक हुआ था ओके और एक ही अब हुआ।
ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि बच्चे की गर्दन की मोटाई का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसमें अगर कोई खराबी आती है फर्दर आपके और टेस्ट कराए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ब्लड प्रेशर चर्बी के साथ बढ़ सकता है, इसीलिए जब भी आप मेरे पास आएंगी मैं आपकी आपके खून के नंबर का एक दफा बुकिंग पे चेक करूंगी, बाद में 20वें हफ्ते पर करूंगी और 28वें हफ्ते पे करूंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी और देखा जाएगा कि आपके पेशाब में चर्बी तो नहीं आ रही है, और आपका ग्लूकोज वाला टेस्ट मैं अभी बुकिंग पे करवाऊंगी। इसके अलावा आगे जाके मैं 24 हफ्ते में दोबारा कराऊंगी अगर बुकिंग वाला नॉर्मल हुआ। अच्छा, एक अवल लाल जब होती है तो दो बच्चे होते हैं, तो इससे ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्चे को ज्यादा खुराक मिलती है, एक बच्चे को कम मिलती है, पानी में कमी बेशी हो सकती है, उनकी ग्रोथ में फर्क हो सकता है, तो इसीलिए हम आप अपना बाकायदगी से मुआयना कराएंगी। 5वें महीने में आपको बुला के आपका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी ताकि बनावटी खराबी को देखा जाए, क्योंकि ट्विंस में बनावटी खराबी के इम्कान ज्यादा होते हैं। फिर आगे जाके आप अपनी दवाइयाँ खाती रहेंगी, आपके मुख्तलिफ हम टेस्ट कराएंगे, आप बच्चे की हरकत पे नजर रखेंगी, और हम बुला के आपको आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, बच्चे की ग्रोथ देखेंगे, और आपका सेफ साइड पे हम एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड है वो भी कराएंगे, और एक एक हफ्ते से 16 हफ्ते के बाद हम आपको बुलाते रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ पे नजर रखेंगे, बच्चे का वजन देखेंगे अल्ट्रासाउंड में, बच्चे का पानी देखेंगे, अगर सब कुछ सही है। अच्छा, ट्विन प्रेगनेंसी आम प्रेगनेंसी मुख्तलिफ है, इसमें बच्चे की वक्त से पहले होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। अच्छा, बच्चे का पानी ज्यादा हो सकता है, 60% ट्विन जो है वो 35 हफ्ते में पैदा हो जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है आपके जहन में कि भाई अगर सब कुछ ठीक है तो आपका बच्चा कैसे पैदा होगा। 34 हफ्ते में हम आपको बुला के आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको ऐसी जगह पे डिलीवरी करानी चाहिए जहाँ पे कंसल्टेंट होना चाहिए, जहाँ पे नर्सिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे एनेस्थीसिया होना चाहिए, बच्चे बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले इंजेक्शन लगाएंगे। अगर पहला बच्चा सीधा है, नीचे की तरफ है, यानी उसका सर है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का प्लान करेंगे, लेकिन अगर बच्चा उल्टा है या कोई पीचीदगी होती है तो हम ऑपरेशन का प्लान करेंगे। जब आप तशरीफ लाएंगी वहां पे लेबर रूम में लेबर पेन्स के साथ, तो फिर आपकी बच्चे की दिल की धड़कन देखी जाएगी, हमारी दो दो डॉक्टर मौजूद होंगे, पीपीएच की ट्रॉली तैयार होगी। ट्विन प्रेगनेंसी में माँ के जो है ना ज्यादा खून बहने का इम्कान होता है, तो इसीलिए हम आपके ज्यादा खून बहने के इम्कान को मद्देनजर रखेंगे। आप बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी, और इसके अलावा आपको ये परेशानी होगी कि दो बच्चे हैं आप उन्हें कैसे संभालेंगी, मैं आपको सपोर्ट ग्रुप्स के नंबर दूंगी। बहुत से बच्चे ट्विंस को संभालते हैं और ख्वातीन अपसेट हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला आपको दो औलाद से नवाज रहा है, दो बच्चे दे रहा है, आप उनको अपना दूध पिलाएंगी। फिर माने अमल के बारे में आपके सवाल होंगे, तो आपके दो बच्चे हो जाएंगे, मैं आपको तरीके बताऊंगी। इसमें कुछ आर्जी होते हैं, कुछ 3 साल के लिए होते हैं, आप रॉड डाल सकती हैं, बाद में सब कुछ ठीक है 6 हफ्ते के बाद तशरीफ ला के हम आपको तार भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सारा प्लान होगा। मजीद आप कुछ सवाल करना चाहती हैं या वो सवाल जो मैंने ना पूछा हो, कुछ पूछना चाहती हैं, डिस्कस करना चाहती हैं, कोई बात, कोई सवाल? हेलो, समीर आवाज आ रही है? हेलो, जी, नहीं, कोई जितना कुछ सवाल आपने पूछना सारा चाहती कुछ किया हैं? है, ये सारा कुछ हो जाएगा, मुझे डिप्रेशन भी हो जाएगी, सेक्शन भी हो जाएगा, नहीं, सब कुछ ठीक इंशाल्लाह रहेगा, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे जरूर। पता नहीं क्या मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और नहीं मैं नहीं नहीं सब डिप्रेशन हो कुछ अगर नॉर्मल जाएगी, हुआ और मुझे पता इम्कान नहीं बंद करके किसके जाना। पास जाना है। सर आपकी आवाज कट रही है। अगर सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ सही रहा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप आपने कंसल्टेंट तो लेने पे इतना आए, कुछ बता बाकायदा दिया डॉक्टर मुझे, को भी डॉक्टर दिखाते साहब, रहे। मुझे तो आपने इतना कुछ बता दिया, अब तो जी पता है सर, समझ नहीं आ रही जी कि क्या करूं मैं। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपको अभी बुलाती रहूंगी ना, आप अपने सप्लीमेंट्स लें, आपके टेस्ट अभी आ जाएंगे, उसकी रिपोर्ट देकर मैं आपको बताऊंगी। अभी आपका ब्लड प्रेशर भी ले लेंगे, और लिया गया है इसकी आपकी रिपोर्ट में है, ये सब कुछ नॉर्मल है, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। और ये किताबचा, इसमें मैं पूरा प्लान आपको लिख के दूंगी, हॉस्पिटल का नंबर भी है, किसी टाइम भी आप कॉल कर सकती हैं। नहीं तो उस पर कौन फोन उठाएगा? आप उठाएंगे? नहीं, हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे आप कॉल कर सकती हैं, इमरजेंसी में लेबर रूम में किसी टाइम भी आ सकती हैं आप। नहीं, मैं जब फोन करूंगी तो फिर आके आप फोन आप उठाएंगी? कौन उठाएगा? कौन सा डॉक्टर उठाएगा? नहीं कौन नहीं बात नहीं करेगा? हॉस्पिटल का हमला उठाएगा, हॉस्पिटल का हमला उठाएगा, ठीक है? और आप लेबर रूम में इमरजेंसी तो 24 घंटे खुली होती है, आप एनी टाइम आ सकती हैं, कोई भी मसला आपको हुआ। नहीं बेटा, आपके 10 मिनट्स पूरे हो गए। नहीं जी सर, क्या ख्याल है आपने, क्या किस तरह परफॉर्म किया?
सर 10 मिनट होते हैं, उसमें सारा बताना होता है, प्लान, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ये तो सबको ही पता है बेटा, 10 मिनट्स होते हैं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने, आपका क्या ख्याल है कि आपने कैसे परफॉर्म किया? सर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया, सारा प्लान बता दिया। एंड यू थिंक दैट वाज ओके? या आपके लेट्स सपोज 10 नंबर अगर स्टेशन किए तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? सर ये आप बता दें नहीं मुझे तो पता, मैं तो आपसे सर, पूछ रहा हूँ आपका इसमें क्या टास्क ख्याल यही है कि उसकी हिस्ट्री लें, उसको काउंसिल करें, उसका कॉम्प्लिकेशंस बता दें और उसको पूरे का पूरा प्लान बता दें, एंड एट दी एंड क्वेश्चन आंसरिंग। है? What kind of twins were these? सर दीज आर मोनोक्रोनिक डायमनेटिक। Okay. एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये मोनो में, और जो दूसरा कौन सा टाइप ऑफ ट्विन होता है आपका? सर मोनोक्रोनिक डायमनेटिक भी हो सकता है, मोनो मोनो भी हो सकता है, डायमनियोटिक डायक्रोनिक हो सकता है, इन सब की डिफरेंट टाइप्स हो मैनेजमेंट सकते कैसे फर्क होता हैं सर। इनकी है मैनेजमेंट इस कि तरह सब पर, का? जी सर, सर इसमें जो है ना टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसे मोनोक्रोनिक डायमनियोटिक है ना मेरा ट्विन सर, फिर एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। हाउ डू यू सो नो कि इसकी इट्स अ बेटा, हाउ डू यू नो इट्स डायग्नोटिक ट्विन सर इन मोनोक्रोनिक? मोनोक्रोनिक डायमनियोटिक देयर इज ट्विन पीक साइन, ओके, ठीक है, 2 वीक्स, और आगे जाके हम इसका स्कैन वगैरह कराते रहेंगे, हमें उसके सर दो कोरियन नजर आएंगे और बिगनिंग में ट्विन पीक साइन नजर आएगा। नहीं वो आपकी बेटा बिल्कुल ठीक ये बात है, ये तो आपको एक स्कैन इस स्टेज पे पता चला हुआ है, और डायक्रियोनिक पे सर लैम्डा साइन आ जाता है। लैम्डा साइन आ गया था। ओके, जी सर, ये आपका डायग्नोसिस इसमें क्या है? मोनोक्रोनिक डायमनेटिक ट्विन प्रेगनेंसी। ओके, और ये अभी स्टेज पे कंफर्म है आपका? हाँ सर, ये इसका पहला अल्ट्रासाउंड है 11 to 14 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, आगे हम इसका मजीद इसके अल्ट्रासाउंड कराएंगे। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपना क्वेश्चन, जी सर, इज आर डायग्नोसिस फाइनल एट दिस स्टेज? सर शुरू में ज़्यादा रिलायबल होता है, यस सर, मजीद भी हम इसको देखते हैं क्योंकि सर इसमें एरर्स भी आ सकते हैं, मिस्टेक भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफिक, आगे भी हम ओके, रिपीट अब मुझे करेंगे। आप, ओके आप मुझे बेटा ये बताओ, जी सर, वील स्टार्ट विद दिस, कि मोनो की जो है उसकी व्हाट यू कॉल दैट टाइप्स, मुझे आप जरा एक एक करके बताओ। सर इसमें अभी जो मेरा जो ट्विन है ना मोनोक्रोनिक डायमनियोटिक है, 75% होता है, और इसके अलावा मोनोक्रोनिक मोनोमनियोटिक भी होता है जिसमें ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूशन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है जिसका चांस 15% होता है, वो फिर कम होता है, और फिर ये मोनोक्रोनिक की अपने टाइप्स पूछे यही है, मोनोक्रोनिक डायमनियोटिक, मोनोक्रोनिक मोनोमनियोटिक, उसमें फिर मोनोक्रोनिक मोनोमनियोटिक में फिर हम सीजेरियन सेक्शन करते ओके हैं। और उसकी मैनेजमेंट में मोनोम्योटिक जो कोरोनिक, सॉरी मोनोक्रोनिक और मोनोम्योटिक जो ट्विंस होता है उसकी मैनेजमेंट में, और इसकी जो आपने अभी कहा मोनोक्रोनिक एंड डायमनियोटिक प्लेसेंटा डायमनेटिक जो होता है जिसमें, उसमें क्या फर्क है दोनों सर उसमें 15% चांसेस ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन आपकी के बात? होते सॉरी हैं। काट रही थी, दोबारा बताइए। जी, सर उसमें 15 मोनोक्रियानिक मोनोमनियोटिक 15% चांसेस ऑफ टीटीएस होते हैं, और मैं उसका मोड ऑफ डिलीवरी हम लोग सिजेरियन सेक्शन करेंगे डेक्सा कवर के बेटा बाद। जी देखो, एक मेरी बात सुनो, कम से कम अगलों की जो आपका एग्जामिनर बैठा है उसकी बात जरूर सुन लेना आप, अपने जबन जी जी जान सर, बचाओ। जी जी सिर्फ आपने अपनी जाके वहां तकरीर नहीं करनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ आपने बोलना है, ठीक है, बिल्कुल आउट 10 मिनट्स में जी कंप्लीट करना है, लेकिन यू नीड टू गिव एम्पल टाइम जो आपका रोल प्लेयर है या आपका एग्जामिनर है कि उसको बीच में इंटरवीन या बोलने देना। आपने तो जी जी ऐसा करके मोनोलॉग करके स्टार्ट किया है कि फ्रॉम 14 वीक से आप छलांग मार के डिप्रेशन तक पहुंच गए अंदर पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, और आपने जी कॉन्ट्रासेप्शन भी डिस्कस कर ली, बट दैट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। आपको ये नहीं पता कि आपको से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसने आपसे जो सवाल पूछे हुए हैं वो क्या पूछे हुए हैं, जरा रिपीट करोगे आप? सर इन्होंने मुझे कहा था कि आप उसकी फोकस हिस्ट्री लें,
आप अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स इनको एक्सप्लेन करें एक और आपको पूरा एंटीनेटल प्लान बनाएं और उसको कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेट करें। ओके, अब मुझे बताओ इसमें से आपने सारी चीजें कवर की हैं। जी सर, अपनी तरफ से मैंने इसकी फोकस हिस्ट्री भी ले ली और काउंसलिंग भी कर दी, एंटीनेटल प्लान भी इसको बता दिया और कॉम्प्लिकेशंस भी बता दी। सब कुछ सर बता मेरे दिया हिसाब आपने, यस सर मैंने फिर तो अपने नंबर हिसाब आपके से तो 10 में नहीं, सर अपनी तरफ फिर से तो कर दिया। इसके हिसाब से तो 10 में से 10 नंबर आने चाहिए आपके, सर आप मिस्टेक्स फिर पॉइंट अगर आउट सब कर कुछ दिए। ही आपने बता दिया। मेरे से कुछ बात करने का या पूछने के लिए, आपका जो टोन ऑफ कम्युनिकेशन है विद द पेशेंट के, 5 साल हो गए आपके बच्चे ही कोई नहीं हुआ, ये किस तरह हो गया? यू डोंट टॉक टू द पेशेंट लाइक दिस। ठीक है सर, स्टार्ट ही आपने 5 साल के पता नहीं क्या कर दिया, कि पता नहीं उसने क्या जुर्म कर दिया है कि वो आके आपके सामने बैठे। मरीज तो इसके बाद जी आपसे सर बात ही नहीं करें। सही, ठीक क्या आपने कभी इलाज ही नहीं कराया? हो हाय, क्या हो गया, ये किस तरह हो गया? है एंड सर। देन इसमें जो मेजर पॉइंट था आपका, जो इसमें ये आपकी जो स्टेशन जो बेस था, वो आपकी क्यूरियोसिटी भी और उसकी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी सर और मैनेजमेंट जो आपको एक पिक्चर दी गई है उसमें यू आर नॉट एक्चुअली वेरी श्योर कि जी ये क्या है, उसकी कंफर्मेशन होती है और उसके हिसाब से आगे आप चलेंगे। जैसे आपने खुद ही बता दिया कि मोनो अगर डायक्रॉनिक साथ होगा तो फिर हम ये मैनेजमेंट करेंगे, जी अगर सर मोनो है और साथ वो है तो फिर उसकी मैनेजमेंट ये होगी, जी सर उसके अकॉर्डिंगली देन यू डिसाइड। लेकिन यू स्टार्टेड ऑफ विद ऑल द कॉम्प्लिकेशन विच यू कैन इवन वेल इमेजिन। ये मरीज अगर आपके पास प्राइवेटली आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि सेकेंड विजिट के लिए आपके पास आएगा। गवर्नमेंट जी अस्पताल में सर तो बेचारी की मजबूरी है कि वो आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो शी विल कम बैक टू यू। यू वर टॉकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स विच कुड हैपन टू द पेशेंट, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव थिंग जिसमें ये हो जाएगा कि जी कि हम इसकी मैनेजमेंट किस तरह करें। द जी सर ओनली ऑब्जेक्टिव इज से वो आपसे इसकी कॉम्प्लिकेशन के अलावा सिर्फ आपने उसको सीरियस क्लेम करना था कि सबसे पहले हम इसे जो ये आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है इसमें हमें इस चीज का है, इसको कंफर्म हम किस तरह करेंगे। एंड ठीक है उसके सर बाद आगे जाके अगर ये वाला आता है तो फिर हमारा प्लान इस तरह होगा रूटीन का। अगर आपका मोनो ये वाला आ जाता है तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे। बेसिकली द ठीक है आइडिया वॉज दैट कि इसमें मोनोनॉटिक मोनोकोरियोनिक अगर आ जाता है तो फिर उसकी हमने मैनेजमेंट क्या करनी है, उसके फ्रीक्वेंट विजिट हैं। एंड इसमें उसमें ये भी रिकमेंडेड है कि जब बच्चे की वायबिलिटी हो जाए, अगर वो इंग्लैंड अमेरिका में बैठा हुआ है तो वो नॉर्मली 26-28 वीक्स में उसको दाखिल कर लेते हैं। हमारे यहाँ जब ठीक नहीं है होती तो हम वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे 32 वीक्स के बाद जो है उस बच्चे की वायबिलिटी अगर हो जाती है वो है, उसको फिर हम उसको उस टाइम पे हम उसको एडमिट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे विल मैनेज कि ठीक बीच है में सर उसकी CTG करनी है, बीच में हमने किस तरह है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो जी है, अगर यही मरीज 34 तक चले जाते हैं तो ये वो मरीज हैं कि अगर आपकी नर्सरी अच्छी है तो उसको 34 और 35 वीक्स के करीब करीब आप उसको एडमिट करके उसको सेक्शन करके डिलीवर कर देते हैं। ठीक अगर आपका दूसरा मोनो आ जाता है जिसमें डायक्रॉनिक है तो उसका थोड़ी सी मैनेजमेंट उसके हिसाब से फिर फर्क है। पर ठीक बात है ये है कि आप उस टाइम बैठ के यू नीड टू बी सिंपथेटिक एंड एम्पथी भी शो करनी है आपने। ठीक आपने बैठ के साथ उसके आगे एक सैलाब या दरिया नहीं खोल देना कि जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, आप ये मर जाओगे, बच्चा ही मर जाएगा, तो फलाम मर जाएगा, टमका मर जाएगा। यू नीड टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद कि जी हाँ जी हाँ, आप कहोगे हाँ जी ये है हमने पहले देखी हुई है, इसकी मैनेजमेंट का प्लान होता है और थोड़े से आपके विजिट्स नॉर्मल से ज्यादा होंगे। एंड देन प्रोसीड, और जिस तरह ये प्रॉब्लम्स होंगी उसको लेके हम साथ चलेंगे और आपकी सपोर्ट के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं यहाँ। ये होगा थोड़ा ठीक सा है मुश्किल लेकिन हम हैं आपके साथ। अब तो कुछ मेडिसिन से ठीक होगा, कुछ रेस्ट होगा, एंड जो जो जिस तरह प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से हम इसे सही लेंगे। उसमें जो बात अगली है कि क्या मोनो के अंदर आपने अगर उसका सपोज कोई अगर फैमिली के अंदर, इसमें एक वन ऑफ द क्वेश्चन शुड हैव बीन के जी के फैमिली में ट्विंस तो नहीं है और किस टाइप के हैं। नंबर 2 कि कोई जेनेटिक इश्यूज अगर हैं और उसकी हमने कुछ अगर लेट्स सपोज स्क्रीनिंग करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे। क्या इसमें हार्मोनी ठीक टेस्ट होता है? अब तो खैर 14 वीक्स प्लस हो गई है तो क्या इसका अगर एमनियोसिंथेसिस होता है तो दोनों सेक्स से होगा, एक सेक्स से होगा? ये क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्चुअली अपने से पूछने थे आपको, लेकिन आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया।
जी सर, सर मुझे तो कि टाइम पूरा नहीं हो जाए बेटा टास्क देखो, मेरा। नहीं आपका टास्क जरूर पूरा हो जाएगा उस टास्क के अंदर कि आपके हस्बैंड आपके साथ तावन करते हैं। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट विद ऑल दिस, जो आपकी फोकस हिस्ट्री के अंदर है, वैसे मुझे बताओगे इसकी क्या रेलेवेंस है? और क्या आपका ग्लूकोज वाला टेस्ट हुआ? ये कहाँ रिकमेंडेड है कि फर्स्ट पीरियड के अंदर आप उसकी ये ग्लूकोज वाले टेस्ट सर करें? सर एसओजीपी के मुताबिक जो है एशियन जो पॉपुलेशन है उन सबका हमें एसओजीपी करा, हमें उसका ओजीटीटी कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू और सबका एट द फर्स्ट विजिट? यस सर, नहीं क्योंकि हम लोग एशियन एथनिसिटी वैसे भी हम हाई रिस्क है और हमारे एशियन साथ के में साथ जहां तक मुझे अभी तक याद है, मैंने एक्चुअली पढ़ी है लेकिन आई कांट रिकॉल, लेकिन जहां तक मुझे ये याद है कि जिसके साथ एशियन के साथ कोई रिस्क फैक्टर आ जाता था फैमिली ये वो, फिर आप ओजीटीटी कराते हो, अदरवाइज आप फिर वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करा लेते हो सर जो मतलब सिंपलर फास्टिंग है। एंड जी सर फास्टिंग एंड 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल करा के अगर वो एवरेज है तो फिर डायग्नोस हो जाएगा, अगर नहीं है सर एसजीपी दीज फिर आर उसके ऑल बीच द में थिंग्स। थ्री। हाँ देखो जब आपके पास ये 1 मिनट मिल जाता है ना, जो पहला आपको है जिसमें आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, जी सर बेसिकली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनट जिसमें आपने फैसला करना है कि ये वाला जो स्टेशन है इसमें मुझसे स्पेसिफिकली क्या पूछा जा रहा है, जी सर एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आपने ये चीज में फोकस करके, और इसमें एक मेन कंपोनेंट था जो ये आपके अल्ट्रासाउंड का था जिसमें आपने जल्दी से कह दिया कि जिसमें आपके जुड़वा बच्चे, जी सर रिपीट स्कैन होना उसपे चाहिए थोड़ा सा, था। और फिर उसके अल्ट्रासाउंड की जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं या रिकन्फर्म करते हो, उसके बाद फिर एंटीनेटल आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स फिर इसके अंदर ट्विंस की जो कॉम्प्लिकेशन है, ट्विंस की कॉम्प्लिकेशन जिस तरह हमें पता है कि आपने मेटरनल बतानी है और फीटल बतानी और प्लेसेंटल बतानी, जी सर उन्हीं को तीनों का करके आपने फोकस करके लेके फिर आगे चलना है, फिर एट द एंड डिपेंडिंग अपॉन क्यूरियोसिटी उसकी फिर हमने मोटर डिलीवरी का डिसीजन लेना। जी सर बट यू नीड टू काइंड ऑफ स्लो डाउन, और उसमें अपने आपने ऑर्गेनाइज जो करने वाली बात है वो ये फोकस हिस्ट्री के लिए, जी सर और फोकस हिस्ट्री के जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिकन्फर्म करो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे लेके चलो कि अभी तो ये 14 हफ्ते पे है। हाँ अगर ये मरीज ही आपके पास लेट्स सपोज 36 वीक्स पे आता और कंफर्म्ड जी होता कि जी ये मोनो है, ये फलां है, टमका है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो मैनेजमेंट आपकी तब थी कि जी डिलीवरी भी और ये सारा कुछ जो है इस मोड पे करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, और दैट देन दैट इज ओके, दैट ओके इज सर ओके, ट्रांसफ्यूजन और ये ट्रैप और ये सारे जो सिंड्रोम्स हैं वो आपकी रूल आउट हो जाते हैं क्योंकि वो 36 वीक पे आ गई। आप इसमें सिर्फ ये ओके कहोगे 14 वीक वाले को कि जी हाँ जी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके लिए आपका थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली ठीक है अल्ट्रासाउंड होगा, विच कुड बी जो आप प्लान करते हो कि डिपेंडिंग अगेन अपॉन क्रोनिसिटी कि वो आपने सॉरी एवरी 15 डेज कराना है कि मंथली कराना है, जी सर आईयूजीआर का हाँ एलिमेंट देखने के लिए आपको तो किस तरह फॉलो करना है। जी सर सर आईजीआर का एलिमेंट देखने के लिए सर हम इसको बुलाएंगे, इसका वीकली हम लोग सॉरी अल्ट्रासाउंड पर जी सर अगर हमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन लग रही है तो वीकली हम इसका डॉपलर कराएंगे, फिर डिपेंडिंग अपॉन द डॉपलर फाइंडिंग कि वो एबसेंट है रिड्यूस है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल एडमिट करके मॉनिटर करेंगे, एबसेंट और रिड्यूस्ड है और 32 वीक्स का हो गया 34 डेक्सा कवर के बाद फिर उसको हम डिलीवर करा देंगे डिपेंडिंग अपॉन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। यस, अब उसकी वो वाली जो मैनेजमेंट प्लान है कि किस तरह करना है वो तो विद टाइम पता चलेगा ना कि क्या क्या इश्यू होता है और क्या जी नहीं होता, सर वो तो विद टाइम आपको जिस तरह अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो ऑफकोर्स आप डिलीवरी पहले करोगे, नहीं आ रही जी तो आपने कब तक कैरी ऑन करना है क्या करना है। सर सो बेसिकली व्हाट नॉर्मल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अगर आपके पास ट्विंस आ नहीं जाते हैं, ट्विंस के आपने है सबसे बात पहले क्रोनोलॉजिकली एंड है टाइप ऑफ के लिए पहले 115 थे ये एमसीडी प्रिय लिए क्लेम 100% प्रिय क्लेम किया, कैसे पता। इसमें फिर आपने उसकी क्रोनोसिटी और उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसका मैनेजमेंट प्लान होगा वो आपने उसके हिसाब से उसको करना है। जी सर डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी सर अगर ट्विंस का आपका इस स्टेशन आता है सबसे पहले उसको आपने डिसाइड करना है कि जी किस टाइप का है,
इन उस ठीक टाइप के हिसाब से भी देन यू अकॉर्डिंगली स्टार्ट मूविंग कि जी हमने आगे किस तरह लिखेंगे, क्योंकि जी सर, कीप इट वेरी सिंपल। जहां पे नहीं हो गया वहां पे पहले उसका डायग्नोसिस होगा, फिर उसके बाद आप आगे उसके अकॉर्डिंगली उसको ही काउंसिल करोगे, ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे और आगे मैनेजमेंट प्लान चलेगा। ठीक है सर, ओके सर, ठीक। और कुछ चीजें हैं जो ट्विंस में कॉमन है, जी जो सर, मटर्नल की सारे सिम्टम्स आते हैं। कुछ चीजें हैं जो ट्विंस में बहुत कॉमन है, जैसे जो कॉम्प्लिकेशन जितनी सारी लिखी हुई है, प्री टर्म, आईयूजीआर, ये आईएमएसएस, सारी चीजें वो कॉमन होती है। आईजीआर, प्रीक्लम्पसिया, जीडीएम, यस, ये जो कॉमन है वो कॉमन में आ जाएंगी। और फिर जो डीडीएफ, स्पेसिफिकली ट्विन ट्विन, जैसे मोनो, अगर मोनो होता है तो उसमें कॉर्ड एंटेंगलमेंट है, आईयूडी एक ट्विन की है, और ठीक उनकी स्क्रीनिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीजें भी लिख लेता है, उसके लिए स्पेसिफिक आ जाएंगी। ठीक डाई एम नॉट ए डाई, या मोनो में करते हैं, जी सर, क्या कह रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही, हार्मनी टेस्ट का पता है आपको, नॉन इनवेसिव जो नेफ्ट होता है। सर सेल्फी डीएनए की बात कर रहे हैं आप? यस, यस सर, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और सर वो हम स्क्रीन कर टेस्ट है सकते हैं क्या, लेकिन सर इट इज या एन वो ठीक स्क्रीनिंग टेस्ट, यस सर, वी कैन फॉर एग्जांपल वी हैव टू चेक फॉर एन्यूप्लाइटिस एंड द पेशेंट, वी कैन डू स्क्रीनिंग टेस्ट बट इट्स प्राइस इज 55 to 60,000 एंड सैंपल जो है पाकिस्तान से बाहर जाता है और एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। बेटा अभी? हाँ बेटा, अभी हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कि जी क्या वो टेस्ट होता है, जी 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 क्या सर, होता वो है हमने किस कंडीशन में करना है, और क्या वो डायमनोटिक में, डायक्रोनियोनिक में भी हो सकता है, मोनो में भी हो सकता है, किस में हो सकता है, सब में हो सकता है, या सर, क्या वो उसकी रिलायबिलिटी फर्क है? यस सर, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एनी टाइम भी हो सकता है और इसकी रिलायबिलिटी है, इसका सेंसिटिविटी इसकी सर 95% है, अबव दैट है, 98% तक चली जाती है, अच्छा, बट फिर इट मैं इज आपको दोबारा स्क्रीनिंग रिपीट टेस्ट। करता हूँ, क्या डायमनोटिक में, डायक्रोनियोनिक में भी हो सकता है, मोनो में भी हो सकता है, दोनों जी सर, हो सकता है में कोई फर्क है? सर, हो सकता है जहाँ पे सर हमारे पास मरीज लेट आ जाता है या फिर हमारे पास मोनोक्रियोनिक है, हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, बाकी टेस्ट तो हम कर सकते हैं इसको, बट इट इज स्क्रीनिंग नॉट डायग्नोस्टिक। अगर डाय, ओके, मैं स्क्रीनिंग की बात ही कर रहा हूँ, लेट्स सपोज डायमनोटिक है और उसमें आ जाता है, एक में एन्यूप्लाइटी आ जाती है, फिर क्या करें? जी सर, सर डायमनाटिक है, उसमें एन्यूप्लाइटी आ गई है हमारे पास, तो हम पेशेंट को सर ये एन्यूप्लाइटी सेल्फी डीएनए पे आ चुकी है सर, हाँ जी, हम इसको फर्दर कंफर्मेशन करेंगे, अगर वो इनिशियल में आती है 11 to 13+6 में हम सीबीएस करा सकते हैं, और अगर आगे आ जाती है हम उसका एमनियोसिंथेसिस करा सकते हैं 14 वीक्स ऑनवर्ड, और मेटरनल एज, अल्ट्रासाउंड ओके, और ये सारे मार्कर देखेंगे, और आगे जाके हम इसकी कंबाइंड टेस्ट करा सकते हैं, अगर लेट आए क्वाड्रिपल करा सकते हैं, लेकिन फिर उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, फर्दर कंफर्मेशन स्क्रीनिंग की डायग्नोस्टिक टेस्ट से होगी। अब इसमें द ओनली डिफरेंस जो आपने चीज नहीं बताई इसमें, वो ये है कि अगर डायमनोटिक होंगे तो फिर इसकी एमनियोसिंथेसिस दोनों सेक्स में से होगी, ओके क्योंकि यू आर ओके नॉट वेरी श्योर कि जी इनमें से किस वाले बेबी के अंदर प्रॉब्लम है, ट्विन ओके वन, ओके ट्विन टू। अगर वो मोनो वाला आ जाता है, क्योंकि वो सिंगल सेल से बना होता है, उसमें फिर आपको डबल एमनियोन से नहीं लेना पड़ता, ठीक ड्यू है पॉइंट, क्योंकि ओके सर, अगर ट्विंस हैं और डायमनोटिक हैं और वो दो डिफरेंट एग्स लेट्स सपोज हैं, अलग अलग फर्टिलाइज हुए हुए हैं, अलग अलग स्पर्म से, तो उन दोनों की भी स्क्रीनिंग करना अलग चीज ठीक है, होगी। अगर सही है, एक एग बनते वही आगे जाके डिफरेंट स्टेज पे अपना रेप्लीकेट हो गया है, तो उस वो तो आइडेंटिकल ट्विंस में, फिर आपको एक कर लोगे तो यू विल फिगर आउट कि दूसरे में भी कोई इशू है कि नहीं। ओके समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? जी सर, जी समझ आ गई सर, मोनो में चलो, एक से तो करनी है क्योंकि इसीलिए, वो हाँ आइडेंटिकल इसी, ट्विंस है, हाँ और इस, डाई में अलग से करनी यस, है। तो अगर आपका डायमनोटिक आ जाता है और उसमें आपकी रिपोर्ट के अंदर एन्यूप्लाइटी होती है, तो यू आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा बच्चा ठीक है, कौन सा नहीं है, ओके और फिर आगे आपने कर सा उसको कंफर्म इसी तरह करेंगे, लेकिन फिर आप दोनों का जो भी आपने इसमें करना है, स्टेजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, उसके हिसाब से ठीक करें। है ओके
अर्ली प्रेगनेंसी है तो फिर जाहिर है फिर वो सीवियस होता है, अगर लेट है तो फिर आपका एमनोसेंटेसिस होता है। सर और ये सारी बातें आपने जब उसको एडवाइस करनी है ट्वीन वाले पेशेंट को एट 10 वीक्स, कॉम्प्लिकेशंस बता वो लें, मिसकैरेज करें, इन्फेक्शन आपने, करें। हाँ नहीं बेटा, रिजल्ट का भी, जी सर, रिजल्ट का भी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम कि जी उस रिजल्ट की इंटरप्रेशन ट्विंस के अंदर में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सिंगल टर्न प्रेगनेंसी में तो कहानी फर्क है, ठीक। ठीक है ना। जी सर, तो उसके हिसाब से अगर आपका स्टेशन आ जाता है केजी के ये ट्विंस हैं और उसकी रिपोर्ट में ये आ गया है बिल्कुल। एनोप्लाइडी, जी तो फिर सर, आप किस तरह उसको आगे कैसे लेके चलोगे। सर फर्दर रिकन्फर्म करूंगी, अगर डायमनियोटिक है तो दूसरे में देखूंगी कि उसमें खराबी है या नहीं है। ठीक है नहीं सर, वो कन्फर्म हो नहीं गया तो फिर मेरा बेटा, एमडी जो है। आहिस्ता आहिस्ता सुरैया, आहिस्ता सांस लेते हैं बीच में, जी यू सर, नीड टू ठीक है, स्पीक स्लोली। ओके मैं सर, ऑनेस्टली आपको अगर आज कोई एक अच्छा मशवरा आपको दे सकता हूँ कि आज से आप शीशे के सामने खड़े हो और जी सर, आराम आराम से बोलो। हमारे जी प्रोफेसर डॉक्टर फारूक होते थे, वो कहते थे आपने लफ्जों को चबा चबा के बोलना है, ठीक, चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, आपने सोच सोच के बोलना है। जिस फरमानी से या रवादारी से आप बोलते हो ना, उसमें सर मैं क्या, कोई भी एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा, और जब आप इंशाल्लाह आगे जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे आपका मरीज भी कंफ्यूज हो जाएगा। जी सर, आपने अपनी टोन को कंट्रोल करना है, आपने ओके, अपने रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना है, ठीक है यू नीड टू बी वेरी वेरी सिंपथेटिक, एम्पथी शो करनी है आपने मरीज को, जी सर, फिर ही वो आपके पास बार बार आएगा। आप तो इस तरह घोड़ों की तरह दौड़ लगा देते हो कि मैं तो, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई थी मैं बीच में आपको कैसे रोकूं। जी सर, इट इज नॉट गोना बी अ मोनोलॉग, ये याद रखो कि जब भी एग्जाम होगा इट हैज टू बी अ डायलॉग जिसमें आपने ज्यादा डेफिनेटली बोलना है। जी सर, मैं कहा क्या कह रहा था, मैं एक्चुअली फिर भूल सर गया सर हूँ, आप कह रहे लॉस्ट थे, ट्रैक। सर आप कह रहे थे कि अगर एक ट्रेन में एंडोप्लाइट की आ गई है तो फिर उसको कैसे लेके चलेंगे। यस हाँ, यू विल स्टार्ट विद एस, अगर आपके पास इसकी रिपोर्ट आती है जी सर, तो आप पहले कहोगे जी ये एक स्क्रीनिंग है, जी सर, इस चीज को हम कंफर्म जो है वो हम लेट्स सपोज आगे जाके वो एमनियोसिंथेसिस से जी करेंगे, सर, और आपका क्योंकि ट्विंस है हमने आपकी ये टेस्ट आपका दो डिफरेंट जगह से जाके फिर हम उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, पर इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताने लगा हूँ, कि ये सब चीजें मैं तब करूंगा अगर लेट्स सपोज कि यही एनोप्लाइडी दोबारा आ जाती है और आप विलिंग हैं फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इस पेशेंट के। लेट्स सपोज वो डाउन आ गया था आपकी स्क्रीनिंग के अंदर और पेशेंट कहे कि जी जो मर्जी रिजल्ट आ जाए मैंने इसकी टर्मिनेशन नहीं करनी इस बच्चे की, फॉर देयर ओन बिलीव्स, फॉर देयर ओन चॉइसेस। फिर आपको इसका आगे जाके वो जो इन्वेसिव टेस्टिंग है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सिर्फ टेस्ट रिकन्फर्म करने से आपकी मैनेजमेंट नहीं चेंज हो जाती, और आप अननेसेसरली उस पेशेंट को उस कॉम्प्लिकेशन जो हम करते हैं उसके अंदर आप डाल रहे। आई विल ओनली डू द कंफर्मेटरी टेस्ट इफ द पेशेंट और द पेरेंट्स दे आर विलिंग फॉर टर्मिनेशन, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, अदरवाइज विल कैरी ऑन, और जब बच्चा पैदा होगा तब उसको स्क्रीन करके तब उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, वरना देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एन इनवेसिव टेस्टिंग आजकल के हालात के अंदर अगर वो अवेलिंग नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट जी सर, कि नहीं समझ आई मेरी बात। समझ आई, अगर विलेंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हेलो, ये क्योंकि हम स्क्रीनिंग से जब डायग्नोस्टिक के पॉइंट पे हमने जाना है, तब स्क्रीनिंग से हमने डायग्नोस्टिक के पॉइंट पे सिर्फ हम तब जाएंगे जब वो उसका अगले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो तैयार है। पर वो कह जी मैं तो वैसे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो फिर देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल द इनवेसिव टेस्टिंग व्हेन वी वंस द बेबी इज बॉर्न देन वी कैन ओके डिसाइड सर, कि जो उसकी रिस्पॉन्स क्या है क्या है उसके हिसाब से आप चले जाओ। आई हैव कपल ऑफ पेशेंट जिनका ये स्क्रीनिंग के अंदर डाउन आ गया था, दे सेड ओके विद दिस, और हम उसको जिस तरह मैनेज करके देखेंगे, क्योंकि बच्चा वायबल होता है एंड दे हैव
क्योंकि वो पढ़ लिख के आए थे कि उनकी भी एक सर्टेन एज तक लाइफ होती है, तो हम तो नहीं अपने इस बच्चे को टर्मिनेट करना चाहते. एंड बाय ऑल मींस वी रिस्पेक्ट दैट एंड देन विल कंटिन्यू. देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन इन द वर्ल्ड, जैसे दुबई के अंदर है, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है बच्चे के लिए, एनोमलीज के लिए, इज नॉट अपना बाय लॉ. आमतौर पे कहीं हमारे पास नहीं आए हैं, कहीं बाकी दुनिया में चले जाते हैं, वहां जाके टर्मिनेशन जरूर करा लेती है द मदर. यस, सकते हैं अगर ऐसी कोई चीज है फॉर द सेफ्टी अपना बच्चे के लिए, वो जो है वो नहीं कर सकते. सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो चलो, गई थी, आपने इफ कहा समबडी दुबई एल्स में। हैज एनी क्वेश्चंस, सर आपकी सर प्लीज वॉइस रिपीट डिस्टॉर्ट हो कर गई दें थी, रिपीट कर दें। दुबई में क्या बताया आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा. इन दुबई सेटिंग्स, वहां पे आप बेबी को टर्मिनेशन नहीं कर सकते अनलेस के अंटिल कोई मटर्नल डेथ का या मटर्नल इंसिडेंस की वजह से हो. अगर बच्चा एबनॉर्मल भी है दुबई के अंदर, दे आर नॉट अलाउड टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बिकॉज एबनॉर्मलिटीज. ओके वो थैंक कहते यू। हैं नहीं जी, आप इसको डिलीवर, ये उनका लॉ कि अगर आपका लेट्स सपोज डाउन पता चल जाता है या कोई है, वो कहते हैं नहीं आप इसको नहीं, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हमारे बाय द लॉ ऑफ द लैंड. ओके सर थैंक यू। ओनली टर्मिनेशन विच दे आर अलाउड इज कि जहां में मटर्नल की लाइफ को लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो देन यू कैन. ठीक है, जी सर थैंक यू। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं सर आवाज कट रही थी आपकी। सर आपकी ना बैंडविड्थ लो हुई इसकी हुई है, समझ आ गई कि आप नहीं आ गई? वीडियो ऑफ कर दें तो मे बी शायद ठीक हो जाए। जी जी सर समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर आपने कहा है जो NIPT हम टेस्ट करवाते हैं उस पे हमारे अगर एनियोप्लाइटी आ जाती है तो फिर हमने इन्वेसिव टेस्ट की तरफ जाना है, लेकिन सर जैसे कि अगर मोनोक्रोनिक में अगर डाई अमनियोटिक ट्वीन है और ठीक है तो कंफर्मेशन, एक डाउन, हाँ जी कंफर्मेशन तो डाउन तो एक भी हो सकता है ना उन दोनों बेबी में से, तो फिर तो हम टर्मिनेशन का उस तरह डिस्कस जी. नहीं करेंगे या करेंगे। किस चीज का बेटा, सर लाइक मुझे जैसे दोबारा आपका NIPT, क्वेश्चन समझ नहीं आया. फिर सर NIPT के लिए हम कहते हैं कि हम टर्मिनेशन के लिए भी पेशेंट को काउंसल करेंगे फिर इन्वेसिव की तरफ जाएंगे। दो जी मोनोक्रियोन डायमनोटिक में एक ट्विन में भी तो एनियोप्लाइडी हो सकती है ना, तो फिर उसको बेबी बिल्कुल को हो हम क्या सकती है. करेंगे उसमें, तो फिर उसमें तो हम टर्मिनेशन नहीं करेंगे ना, कंटिन्यू रखेंगे पेशेंट। बेटा उसमें टर्मिनेशन देखो ना डिपेंड करता है कि आपकी जो है ये सॉरी मेरा इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, और दूसरी फिर उसके ऐसी बातों में फिर वो आ जाता है फीटल रिडक्शन ठीक है डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके ओके आई गॉट इट थैंक हाँ, बट यू सर देन दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर वी कैन डू, कि जिसमें आप सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन करते हो ऑफ द ओके बेबी ठीक व्हिच इज अपना नॉट नॉर्मल. है सर। ये पाकिस्तान में कहाँ हो रही है ये जो लेजर एब्लेशन है टेक्निक्स। बेटा लेजर तो मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को यहाँ पे करते हुए, लेकिन बाकी ये CVS ये वो है, मैं पता करके बता देता हूँ. और सर ये जो हमारे जैसे पास इसके तो यहाँ ट्रीटमेंट, जी सर सर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में एमनियोटमी भी है लेजर भी है, तो ये वाले सारे मतलब हम ट्रीटमेंट इधर पाकिस्तान में करते हैं इस तरह के प्रोसीजर। मेरे सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में होगे बोलोगे तो आपने भी सबका बोले. ठीक है सर तो आपने एग्जाम में बोलना है तो आपने सबका बोलना है फिर, क्योंकि ऑप्शंस आपने वो बोलनी है. फिर वो आप ये पूछेंगे जी कहाँ पे हो सकते हैं, तो वो आपको कहोगे जी हम सेंटर आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे. ठीक है सर मे बी दे कैन अफोर्ड, दे कैन गो अब्रॉड एंड हैव इट डन, और जहाँ पे भी पॉसिबल है जो कॉस्ट पर डिपेंड करता है वहां पे हो सकती है.
ठीक है हमारे सर। बहुत सारे मरीज हैं जो बाहर जाके डिलीवर होते हैं या जाके वहां पे जाके अगर जरूरत हो जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं। ओके मेरा सर, एक थैंक यू पेशेंट था, सर। उसी तरह उसकी एनोप्लाइटी आ गई, ट्विंस थे। मैंने उनको कहा कि आप ये कराना है तो फिर हम इसकी करते हैं। हमने तो इंग्लैंड जाके कराना है। दे वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने दोबारा उसका एक्चुअली एनोप्लाइटी का टेस्ट दोबारा किया। चले सर एक और क्वेश्चन है कि इस दफा जो है डमीज या मैनिक्योर होंगे? मेरा मेरा ख्याल है शायद हूँ, इट विल बी नेक टू नेक। ठीक है सर। सर तो उसमें पूरी केस डिस्कशन होगी, लाइक जैसे एग्जामिनेशन हमने उस पे करना है, हिस्ट्री किसी रोल प्ले से लेनी है और उस पे डिस्कशन होगी, या सिर्फ एग्जामिनेशन या टीचिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे इस तरह के स्टेशन? बेटा एक सेशन तो आपका उसमें उन्होंने ऐड कर ही दिया है जिसमें एक लाइव पेशेंट बैठा होगा, जिसकी आपने हिस्ट्री लेनी होगी और डिस्कशन स्टेशन पे होती है। सर आवाज वो कट गई थी, जनरली सॉरी स्टेशन नंबर 2 बनता है, 2A एंड 2B। बेटा एक सर, स्टेशन तो प्रेयर उन्होंने का एक बता कर दी। दिया है मोर और लेस मैंडेटरी जिसमें, सॉरी सर आवाज कट रही थी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, बेटा जी जी सर, आ रही है अभी। मेरा ख्याल है कोई नेट का इशू है। इसमें एक सेशन तो आपका लाइव पेशेंट का तो होगा जिसमें ठीक आपने है लाइव पेशेंट पे हिस्ट्री लेनी है और लाइव पेशेंट की डिस्कशन अगले सेशन ठीक है सर। वो ये नॉर्मली डमीज परफॉर्मिंग स्टेशन, स्किल परफॉर्मिंग स्टेशन होंगे जिसमें ठीक है सर, थैंक गॉड। इस दफा वैसे अपनी आई डोंट नो चांस है कि शायद हो जाए, पर जनवरी में तो डेफिनेटली तक पहुंच जाएंगे। ठीक ठीक है, थैंक चलो यू सर। चलो बेटा, इफ यू डन देन आई विल से गुड बाय। ओके बेटा, दाफिस। ओके, अल्लाह हाफिज़।